हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष अवस्थी अपने चैनल सर्वाइव साइंस टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं इस दुनिया की सबसे जटिलतम संरचनाओं में से एक मानव मस्तिष्क, जो हमें बोध, ज्ञान, स्मृति, वाणी, भावुकता, स्वबोध तथा मानव चेतना के विशेष गुणों पर नियंत्रण रखता है। शरीर की माप के अनुपात में अन्य सभी जंतुओं की तुलना में मानव मस्तिष्क सबसे अधिक बड़ा होता है। ब्रेन हमारी बॉडी का काफ़ी अहम हिस्सा होता है, लेकिन इसके बारे में कई ऐसी बातें होती हैं जो आम तौर पर लोगों को पता नहीं होती हैं। ब्रेन के ऊपर लगातार कई तरह की रिसर्च होती रहती हैं। इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन का भार 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। ब्रेन का टिश्यू इतना ज़्यादा कोमल होता है कि इसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। महिलाओं के ब्रेन के मुकाबले पुरुषों का ब्रेन 10% तक बड़ा होता है। हालांकि इस फैक्ट से महिलाएं ये ना समझें कि उनका ब्रेन पुरुषों के ब्रेन से कम एक्टिव होता है। ब्रेन छोटा होने का मतलब उसके कम एक्टिव होने से नहीं होता। ब्रेन की एक्टिविटीज़ न्यूरॉन की संख्या पर डिपेंड करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, क्या आप जानते हैं उनके ब्रेन का वेट कितना था? अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का वेट मात्र 1230 ग्राम ही था, लेकिन न्यूरॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा थी, यानी ब्रेन उनका ज़्यादा एक्टिव था। और उनका आईक्यू लेवल भी लगभग 160 था, जो एक सुपर जीनियस की निशानी भी है। अब आप समझ चुके होंगे कि ब्रेन के वेट से इंटेलिजेंट होने का कोई नाता नहीं होता। इंटेलिजेंट होने का नाता ब्रेन के न्यूरॉन्स की संख्या पर डिपेंड करती है, ना कि उसके दिमाग और उसके वजन पर। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होते, यानी ब्रेन को दर्द महसूस नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसको एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खोपड़ी के लिए एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ेगी। मस्तिष्क क्रेनियल कैविटी में फिट रहता है, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, एरेक्टिनॉइड और सबसे अंदर पाया मैटर, जिसे हम क्रेनियल मेनिंजेंस कहते हैं। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाना कि उसका ब्रेन दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि दर्द उसकी खोपड़ी की हड्डियों के संपर्क में आने वाली स्किन लेयर्स और स्कल कैविटी में हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, इंसान के इमोशंस दिमाग का एमिगडाला नामक भाग कंट्रोल करता है। अगर इंसानी दिमाग से एमिगडाला नामक हिस्सा निकाल दिया जाए, तो इंसान का किसी भी चीज़ से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वैसे डर भी ज़रूरी है ना यार। फैक्ट नंबर 4, हमारे दिमाग के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इन दोनों साइड्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। हमारे दिमाग का राइट साइड भाग हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, एंड हमारे दिमाग का लेफ्ट साइड हमारे शरीर के राइट साइड भाग को कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 5, जब आप जाग रहे होते हैं, तब आपका दिमाग 10 वाट से लगाकर 23 वाट तक की बिजली जितनी ऊर्जा छोड़ सकता है, जो एक एलईडी बल्ब को भी चला सकता है। हमारा दिमाग 75% पानी से मिलकर बना होता है। फैक्ट नंबर 6, आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के जिस भी भाग को हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, वह और भी अधिक विकसित हो जाता है। अर्थात आप अपने इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सकते हैं। पढ़ने और बोलने से बच्चों का दिमाग अधिक विकसित होता है। फैक्ट नंबर 7, हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते। कई न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सूचनाओं को 0.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं, और कई न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जो सूचनाओं को 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं।
फैक्ट नंबर 8, ह्यूमन ब्रेन में हर दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं और जिनमें से 70% निगेटिव होते हैं। फैक्ट नंबर 9, औसतन मनुष्य हर दिन में 20,000 बार पलक झपकाता है और अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य उन 20,000 बार पलके झपकाने की वजह से हर दिन 30 मिनट तक अंधेरे में रहता है। क्या आपको भी लगता है कि यह सच है? वीडियो को आप स्टॉप करके भी एक बार सोच सकते हैं। जी नहीं, असल में यह सत्य नहीं है। हम 20,000 बार पलके तो जरूर झपकाते हैं, परंतु 30 मिनट तक अंधेरे में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतने कम समय में किसी वस्तु का चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलके झपकाने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से भी कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। फैक्ट नंबर 10, मानव दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1,00,000 रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसीलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग भी है। फैक्ट नंबर 11, दिमाग शरीर का लगभग 2% भाग है, परंतु यह पूरे शरीर की टोटल ऑक्सीजन का 20% उपयोग करता है और 20% खून का भी उपयोग करता है। इसीलिए तो कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर दिमाग को 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डैमेज पक्का है। फैक्ट नंबर 12, वजन के लिहाज से अब तक सबसे भारी दिमाग एक रूसी लेखक लुआन टर्जन्यू का था, जिसके दिमाग का वजन लगभग 2021 ग्राम था और उसकी मृत्यु 1883 में हो गई थी। फैक्ट नंबर 13, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। फैक्ट नंबर 14, जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। सच बात है ना यार? और जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा कि युद्ध के सैनिकों पर। फैक्ट नंबर 15, टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए कुछ बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं हो पाता। बच्चों का दिमाग कहानियां पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों को टीवी स्मार्टफोन्स ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ और लर्निंग स्किल पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय तक स्मार्टफोन का यूज करते हैं और उस पर फालतू के काम करते हैं तो आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 16, एक स्वस्थ पूर्ण विकसित दिमाग कंप्यूटर से 30,000 गुना तेजी से काम कर सकता है। फैक्ट नंबर 17, अक्सर हमें बचपन के कुछ साल याद नहीं रहते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? उस समय दिमाग का हिप्पोकैम्पस नामक हिस्सा डेवलप नहीं होता है। दिमागी हिस्से का हिप्पोकैम्पस ही वह भाग है जो चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी होता है और बच्चों में यह ज़्यादा विकसित नहीं होता है। 2 साल की उम्र तक किसी भी उम्र से ज़्यादा ब्रेन सेल्स होती हैं। फैक्ट नंबर 18, हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और 1,000 अरब न्यूरोग्लाइल कोशिकाएँ होती हैं। फैक्ट नंबर 19, ब्रेन न्यूरॉन्स के जरिए काम करता है और इसका वही रोल होता है जैसे कंप्यूटर में CPU का। 35 से 40 वर्ष की आयु में 7,000 न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम जानना चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हर उस इंसान के पास शेयर कीजिए जिसे साइंस से प्यार हो। धन्यवाद।